हेलो नमस्कार साथियों मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विज मास्टर व एग्जामपुर पर तो कैसे हैं सभी सभी लोग बताएंगे कमेंट करके एक बार जल्दी से आप लोग आ जाइए सभी शादी जल्दी से आ जाएंगे और सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे ताकि जो भी आपके भाई हैं बंधु हैं मित्र हैं यार हैं वो भी हमारे साथ आ सके वो भी हमारे साथ जुड़ सके और वो भी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सके तो एक बार जल्दी से आप लोग आ जाइए ठीक है भाई फिर हम लोग क्या करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया सभी को गुड गुड मॉर्निंग भाई सभी को गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे सभी को राम राम हम लोग क्या करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे सेशन को शेयर करेंगे और जो भी नए साथी हैं वो चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ठीक है भाई ये आपको कुछ चीजें हैं जो आपको डेवलप करनी है अपने अंदर बहुत बढ़िया जी एग्जामपुर जी अजय जी आदर्श जी आदेश जी चलो जी तो हम लोग क्या करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले आप लोग अपने जो साथी हैं भाई हैं बंधु हैं उन लोगों को आप ये सेशन भेज दो एक बार है ना क्या करना है भेजना है उन लोगों को ये सेशन ताकि भाई वो भी हमारे साथ आ सके वो भी हमारे साथ पढ़ सके वो भी सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके है ना चलो जी तो हम लोग क्या करते हैं सेशन स्टार्ट करते हैं नमस्कार है स्वागत है नंदन है अभिनंदन है वंदन है भाई ठीक है सभी साथियों का चलो तो हम लोग क्या करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप सभी को क्या करना है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है आप सभी को एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप क्या करना है डाउनलोड करना है जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा आपको एग्जामपुर के ऑल कोर्सेज की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी क्या मिल जाएगी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर नोट्स मिल जाएंगे मिल मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मॉक टेस्ट और आपको बुक से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी ठीक है भाई ये सारे पॉइंट आपको क्या रखने है? याद रखने हैं, तो आप लोग क्या करेंगे इसको डाउनलोड कर लेंगे ऑफिशियल ऐप को अगला पॉइंट ये है कि यदि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली पुलिस और एस एस की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग रक्षक बैच के साथ जुड़ सकते हैं, हैं क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर पे आज भी स्टूडेंट इसको परचेस कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप क्यों पीछे रह रहे हो आप जितना लेट करोगे उतना ही पीछे होते जाओगे अदर लोगों से ठीक है भाई चार सौ निन्यानवे का बैच है बहुत ही शानदार बैच है शानदार चल रहा है ठीक है भाई आप लोग बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हो इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि भाई जो भी छा छात्र छात्राएं किसकी तैयारी कर रहे हैं यूपी पी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार इवेंट आने वाला है आज आज सुबह ग्यारह बजे मतलब सात अगस्त सुबह ग्यारह बजे एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पे तो आप लोग जरूर जुड़ेंगे इसके साथ जरूर जुड़ेंगे और आप लोग देखेंगे कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें दी जाएंगी बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी ठीक है भाई समझ गए तो आप लोग जरूर जरूर आएंगे इस इवेंट के साथ आगे बढ़ते हैं अब देखो ये जो हमारा सेशन है? है किसका है हिस्ट्री स्पेशल का है है किसका हिस्ट्री स्पेशल का क्या है भाई ये हमारा सेशन है ठीक है भाई तो हम लोग क्या करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जो भी आपके साथी भाई बंधु नहीं आए हैं उनको आप लोग बुला लीजिए कह रहे हैं आज संडे है सभी सो रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है संडे में भी भाई देखो दिन तो सब बराबर ही होते हैं और टाइम भी सबका वही होता है और आप लोग भी जानते हैं और मौसम भी सब वही है चाहे संडे हो या मंडे हो ये तो हमारी दिमाग हमारे दिमाग की वो होती है अरे आज संडे है ऐस करेंगे मौज करेंगे सोएंगे ये वो फिर मंडे से फिर ये वो देखो ऐसा नहीं है संडे में भी पढ़ाई होती है सारी चीज़ें सब वही वही चलती हैं ठीक है भाई और आप तो एक स्टूडेंट हैं आपको कभी रुकना नहीं है आपको कंटिन्यू चलना है क्या करना है कंटिन्यू चलना है ठीक है भाई

नीचे किस तरह से दफनाते थे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो देखो आपको पता होना चाहिए जैसे क्वेश्चन नंबर एक है तो क्वेश्चन नंबर एक है तो यदि आपका क्वेश्चन नंबर का आंसर ए आ रहा है तो आप लोग करके आंसर लिखेंगे यदि आपका आंसर क्या आ रहा है बी आ रहा है तो आप लोग आंसर कर, करके लिखोगे यदि आपका आंसर सी आ रहा है तो आप लोग वन सी लिखोगे और यदि आपका आंसर डी आ रहा है तो आप लोग वन डी लिखोगे इस टाइप में आपको क्या लिखना है सभी साथियों को आंसर करना है इस टाइप में क्या 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 करना 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 है 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 सभी साथियों को आंसर ठीक भाई फिर फिर करते करते हैं हैं आगे बढ़ते चौदह सौ बीसी से लेकर चौदह सौ बीसी से लेकर एक हजार बीसी एक हजार बीसी एक हजार बीसी के जो आपका मध्य जो टाइम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ताम्र पाषाण काल बोलते हैं क्या बोलते हैं ताम्र पाषाण युग बोलते हैं ये आपको क्या रखना है याद रखना है अब इस युग के जो लोग हुआ करते थे इस युग के जो लोग हुआ करते थे अब वो क्या करते थे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जैसे हमने बोल दिया भाई ये आपका क्या है भाई हमने बोल दिया ये आपका महाराष्ट्र वाला पार्ट है ये वाला पार्ट तो यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो अपने जो जिन, जिन जिनकी भी मृत्यु हो जाए उनका जो शरीर होता था वो किस स्थिति में दफनाते थे उनका जो सिर होता था सिर वो कहाँ पे होता था उत्तर की ओर होता था सिर कहाँ पे उत्तर की ओर होता था और पैर कहाँ की ओर होते थे दक्षिण की ओर होते थे इस टाइप से वो क्या करते थे शरीर को दफनाते थे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा बहुत बढ़िया कह रहे हैं दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसा नहीं है पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसा नहीं है और पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा नहीं है राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा जिनका आंसर आ रहा है सी गलत हो गया भाई साहब गलत हो गया जिनका भी आंसर सी आ रहा है गलत हो गया तो सही उत्तर क्या आ आ जाएगा जाएगा आपका ए आ जाएगा। ए बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं अब देखो जैसे कि आपने देखा कि जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहां पे आपका क्या था सिंधु सब का दैमाबाद वाला क्षेत्र था कौन सा दैमाबाद तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दैमाबाद था जो दैमाबाद था वो आपका कहाँ पे पड़ता है तो आप बताओगे महाराष्ट्र में पड़ता है और ये किसका आपका एक नगर था तो आप बताओगे सिंधु सभ्यता का नगर था किसका सिंधु सभ्यता का नगर था आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता है उसका पश्चिमी बिंदु क्या था तो आप क्या बताओगे भाई का गेंडोर जो कि हमें कहां पे मिला है पश्च बलुचिस्तान में मिला है कहाँ पे बलूचिस्तान में मिला है इस प्रकार से आपका मांडा हो जाएगा जो सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु था क्या था उत्तरी बिंदु था है ना और ये हमें कहाँ से मिला है कश्मीर से मिला है यानी जम्मू कश्मीर से मिला है और वहीं हम लोग बात करें किसकी सिंधु सभ्यता के पूर्वी बिंदु की तो ये हमारा क्या हो जाएगा आलमगीर हो जाएगा क्या हो जाएगा आलमगीर हो जाएगा और हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आलमगीर है आपका ये हमें कहां पे मिला है यूपी के मेरठ में मिला है कहाँ पे मेरठ में मिला है है ना समझ गए बात को चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है जल्दी से आप लोग क्या कर दो इसका आंसर कर दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार आदेश जी अजय जी बहुत बढ़िया सचिन जी तो देखो ऐसा नहीं है कि मतलब सारे क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल एकदम शानदार है, 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 कहीं कहीं। तो है कि माना द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य है वो सबसे पहले किस अनाज का यूज करता था किस अनाज का यूज करता था है ना किस अनाज का यूज करता था तो हमें सबसे पहले किसका गेहूं का हम लोग हमने सबसे पहले गेहूं का यूज किया था या चावल का यूज किया था या फिर कहा आ, किसका जौ का यूज किया था या फिर किसका 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 बाजरा का 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 तो मनुष्य को सबसे पहले ज्ञान 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 होता 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 है 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 जौ जौ ये आपको क्या रखना है? याद रखना याद और ये क्वेश्चन कई बार आया है इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ था तो आप बताएंगे तांबा धातु का ज्ञान हुआ था किसका तांबा धातु का क्या होता है हमें ज्ञान होता है किसका होता है ज्ञान तो आप तुरंत बताओगे कि तांबा का ज्ञान होता है किसका धातु का हमें क्या होता है ज्ञान होता है हमसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहे का ज्ञान था कि नहीं था उनको लोहे का ज्ञान था कि नहीं था तो आप बताएंगे उनको लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था है ना राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका भाई सी आ जाएगा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता में जो हमें चावल के साक्ष मिले हैं वो कहा से मिले हैं वो लोथल से मिले हैं किससे मिले हैं लोथल से मिले हैं ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है जो की आपको पड़ता है गुजरात में पड़ता है और ये क्या था एक प्रसिद्ध वंदरगाह था क्या था वंदर था ये भी आपको याद रखना है जो कि आपका भोगवा नदी पर स्थित था किसके भोगवा भोगवा नदी पर स्थित था जो गेहूं है गेहूं की भूसी हमें कहाँ से मिली है रंगपुर से मिली है कहाँ से रंगपुर से ये भी हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गेहूं की भूसी या चावल की गेहूं के साक्ष में कहां से मिले हैं तो आप बताएंगे रंगपुर से मिले हैं क्लियर है भाई बहुत बढ़िया तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग सी लगाओगे चलो जी आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है ये आपको क्या करना है बताना है चलो जी जल्दी से आप लोग बताओ इनमें से वह है कौन सा वेद है इनमें से वह है कौन सा वेद है जिसका जो संकलन है वह है किस पर ऋग्वेद पर आधारित है ठीक है 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 भाई अब आपका क्या मतलब ऋग्वेद पर आधारित इसका मतलब यह है कि इनमें से वह एक वेद ऐसा है जिसमें बहुत सारे जो मंत्रों को कहां से लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है कहां से ऋग्वेद से लिया गया है तो हम सारी चीजें आपको बताएंगे सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं किसके ऋग्वेद के बारे में जो है ये हमारा क्या है भाई सबसे प्राचीन वेद है ये हमारा क्या हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा वेदों की संख्या कितनी है तो आप बताओगे चार है प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा इसमें मंडलों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताओगे कि इसमें दस मंडल हैं कितने इसमें दस क्या है मंडल हैं ये भी आपको याद रखना है ठीक है भाई लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें सूक्त कितने हैं तो आप क्या बताओगे कि इसमें सूक्त दस सौ अट्ठाइस क्या हो जाएंगे इसमें सूक्त हो जाएंगे इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद पर आधारित कौन सा वेद है तो आप बताओगे सामवेद है कौन सा है सामवेद सामवेद विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और इसी सामवेद से हमें किसका संगीत का

अठहत्तर ऋचाओं के अलावा अठहत्तर ऋचाओं के अलावा बकाया जो जितनी भी ऋचाएं हैं वो कहा से ली गई हैं वो बाबू ऋग्वेद से ली गई हैं कहां से ऋग्वेद से ली गई हैं ये भी आपको याद रखना है समझ गए बात को तो ऋग्वेद की ही ऋचाओं को जांगे? कहां पर रख दिया गया सामवेद में रख दिया गया कहां पर सामवेद में रख दिया गया और उसका संकलन कर दिया गया और इसी में हमें किसका संगीत का वर्णन दे दिया गया तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा जो यजुर्वेद है इसमें हमें यज्ञों का वर्णन मिलता है किसका यज्ञों का वर्णन मिलता है ये भी आपको याद रखोगे और जो अथर्ववेद है इसमें

आदेश चलो जी तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग बी लगाओगे नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है पोडू के नाम से जाना जाता था निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है पोडू के नाम से जाना जाता था ये आपको क्या रखना है याद रखना है अब ये देखो जो पोडू के वाला जो बंदरगाह है ये हमें किस क्षेत्र में मिला है ये हमें पांडिचेरी वाले क्षेत्र में मिला है कहां पे पांडी पांडिचेरी वाले क्षेत्र में मिला है पांडिचेरी वाले क्षेत्र में मिला है और आप लोग जानते हैं कि जो पांडिचेरी है ये हमारा क्या है एक यूटी है क्या है एक यूटी है पांडिचेरी हमारा क्या है एक यूटी है और ये जब यूटी है तो इसमें चार जिले हैं इसके साथ साथ पांडि पांडिचेरी की स्थापना की गई थी उन्नीस में कब उन्नीस में पांडिचेरी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा किसके फ्रांसिस फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी की क्या की गई थी स्थापना की गई थी और पांडिचेरी में हमें क्या मिला है ये वाला बंदरगाह मिला है अब यह हमारा क्या है प्राचीन प्राचीन बंदरगाह बंदरगाह है 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 क्या ठीक भाई ईसा पूर्व हमारा बंदरगाह है और इसका क्या नाम है अरिका मेडू बंदरगाह क्या नाम है अरिका मेडू बंदरगाह राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा क्या जाएगा ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या कई बातें आपको समझ में आ गई है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार बहुत बढ़िया तो जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दो ताकि और भी जो आपके साथी भाई बंधु है ना उनको भी पता चल जाएगा वेलैंड वेलैंड बहुत बढ़िया सबका ये आंसर आ रहा सबका ये आंसर आ रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट तोल कपियम तोल कपियम ग्रंथ किस से संबंधित है यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तोल कपियम ग्रंथ किस से संबंधित है यह आपका प्रशासन से संबंधित है या विधि से संबंधित है या व्याकरण और आपका काव्य से संबंधित है या फिर किससे उपरोक्त में से सभी तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है जल्दी से आप लोग क्या बताएंगे क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर बताएंगे और इसका क्या आंसर होता है इसका आपको क्या बताना है बताना है बहुत बढ़िया एकदम शानदार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो जी तो जल्दी से आप लोग आ जाओ देखो हम आपको बताते हैं जो तोल कपियम ग्रंथ है इसका जो संकलन किया था वो किसने किया था अगस्त ऋषि ने किया था किसने अगस्त ऋषि ने किया था किसने किया था अगस्त ऋषि ने क्या किया था इसका संकलन किया था मतलब इसको क्या किया था कहीं ना कहीं लिखा था या इसको संयोजित किया था समझ गए बात को अब बात आती है कि इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है तो आप कहोगे सर जी इसमें व्याकरण और काव्य का वर्णन मिलता है किसका व्याकरण और काव्य का वर्णन मिलता है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है समझ गए बहुत बढ़िया एकदम शानदार बहुत बढ़िया हाँ तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग भाई सी लगाओगे क्या लगाओगे सी लगाओगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसमें किस चीज का वर्णन दिया गया है तो इसमें वर्णन दिया गया है किसका कर्म का वर्णन दिया गया है मोक्ष का वर्णन दिया गया है किसका मोक्ष का वर्णन दिया गया है कि एक अच्छे मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए एक अच्छे मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए मोक्ष का वर्णन दिया गया है किसका मोक्ष का वर्णन दिया गया है मोक्ष हमें कैसे मिल सकता है हम ऐसे कौन कौन से कार्य करें हम ऐसे कौन कौन से कार्य करें जिस वजह से हमें क्या मिल जाएगा मोक्ष मिल जाएगा इसमें किसका मोक्ष का भी वर्णन आपका दिया गया है ठीक है भाई और इसमें आपका धर्म का भी वर्णन दिया गया है किसका धर्म का भी क्या दिया गया है वर्णन दिया गया है क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई तो पांच का क्या लगाओगे आप लोग सी सी लगाओगे बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कर्म का सिद्धांत संबंधित है देखो अब ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कहीं ना कहीं प्राचीन काल के क्वेश्चन हैं तो आपका दिमाग लग रहा हो यार यार प्राचीन काल के क्वेश्चन क्वेश्चन हिस्ट्री से है क्या यार देखो जब क्वेश्चन आ जाता है ना भाई देखो सरल सरल तो दुनिया कर लेती है इस बात को आप लोग जानते हो लेकिन जो कठिन क्वेश्चन कर ले वही बादशाह है इस बात को भी आप लोग जानते हो है ना तो आपको बादशाह बनना है यार शासन शेयर दो और भाई जुड़ना है तो बिल्कुल एक घंटे अच्छे से जुड़े रहना है है ना हाँ जी बहुत बढ़िया पंकज यादव जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्म का सिद्धांत किस से संबंधित है तो न्याय दर्शन से संबंधित है या मीमांसा दर्शन से संबंधित है या वेदांत दर्शन से संबंधित है या फिर वैशेषिक दर्शन से संबंधित है देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है जल्दी से आप लोग क्या बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से किस, क्या बताओ भाई इसका आंसर बताओ जो कर्म का सिद्धांत है भाई किससे संबंधित है तो आप बताओ कि मीमांसा दर्शन से संबंधित है किससे मीमांसा दर्शन से संबंधित है ये आपको क्या रखना है याद रखना है ठीक है भाई अब जो मीमांसा है ये आपका आप कहोगे सर जी कितने प्रकार की है तो इसके कितने भाग है दो भाग है. एक का नाम है उत्तर मीमांसा उत्तर मीमांसा मीमांसा एक का भाग एक भाग हो जाएगा उत्तर मीमांसा और एक हो जाएगा पूर्व मीमांसा क्या हो जाएगा पूर्व मीमांसा हो जाएगा जो वैशेषिक दर्शन है इसके कहीं ना कहीं प्रतिपादक कौन है कणाद हैं कौन है कणाद हैं ये आपको याद रखना है ठीक है भाई और जो न्याय दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है तो आप कहोगे भाई न्याय दर्शन की कौन हो जाएंगे गौतम हो जाएंगे कौन हो जाएंगे गौतम हो जाएंगे ये भी आपको याद रख है योग योग दर्शन दर्शन की की कौन हो जाएंगे प्रतिपादक तो आप बताओगे पतंजलि कौन हो जाएंगे पतंजलि क्या हो जाएंगे योग दर्शन की प्रतिपादक हो जाएंगे तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा क्या आ जाएगा बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस इज अवर सड़ दर्शन ये हमारे क्या है सड़ दर्शन है ठीक है भाई

अब हमसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि किस दर्शन में किस चीज का हमें ज्ञान मिलता है अब आपको सी ये ये भी पूछा जा सकता है हाँ ये भी हमसे पूछा गया है तो देखो भौतिक एवं रसायन का जो हमें वर्णन मिला है वो किस में मिला है तो आप कहोगे भाई वैशेषिक दर्शन में मिला है किस में वैशेषिक दर्शन में हमें भौतिक एवं रसायन का वर्णन मिला है वही हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रमाण और उत्पत्ति और तर्क का और तर्क विज्ञान का जो हमें वर्णन मिला है वो कहाँ पे मिला है हमें न्याय में मिला है किसमें मिला है न्याय दर्शन में मिला है इस टाइप से आपको ये सारी की सारी चीजें क्या करनी है पढ़नी है ठीक है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं और उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें लाते हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीजों को क्या सकें? कर सकें नोट कर सकें क्लियर है भाई बहुत बढ़िया हाँ भाई साहब जब पढ़ जब पढ़ोगे देखो पता है इंटरेस्ट कब जगता है इंटरेस्ट अब इं, इंटरेस्ट कोई एक ऐसी चीज थोड़ी ना है कि हम तुम्हें भाई पानी लाएं और पिला दूं तुम्हें इंटरेस्ट जग जाए इंटरेस्ट इंट्रे, इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है कि आपको खुद उस चीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है जब आप उस चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे ना तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जग जाएगा बात समझ में आ रही ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है अब इसका आंसर बता दो तुम जब आंसर नहीं आएगा तो कहेगा अरे यार रहा अरे यार पढ़ा नहीं है अरे यार क्या करें भाई जब बार बार पढ़ोगे उन चीजों को अच्छे से समझोगे उन चीजों को तो उन चीजों में इंटरेस्ट जगेगा हमने दे, हमने देखा सपोज दैट आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया सपोज दैट आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया फिर यही क्वेश्चन कहीं और पढ़ा आपने फिर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया भाई साहब लो भाई साहब दिल बाग बाग दिल बल्ले बल्ले दिल क्या है बल्ले बल्ले अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति अब ये जो अर्धनारीश्वर मूर्ति है देखो आपने देखा होगा आधे उसमें शंकर जी हैं आधे उसमें कौन है पार्वती जी हैं तो ये जो मूर्ति है मूर्ति में आधा आधा शिव तथा पार्वती प्रतीक तो नहीं पता तुमने तो भाई है कौन क्या है लेकिन ये चीजें तुम्हें तो नहीं पता तो, तुम्हें तो भाई स्टडी मूड ऑफ लगेगी और क्या कर दें बताओ हाँ जी आधा शिव और आधी पार्वती किसका प्रतीक है ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जल्दी से आप बताओ बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई बहुत प्यारा और जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते ना तो ऐसे क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाता ऐसे क्वेश्चन वही कर पाता है जो ध्यान से पढ़ता है और अच्छे से पढ़ता है ठीक है भाई तो देखो ये किसका पुरुष और नारी का योग का ये बिल्कुल नहीं है पुरुष और नारी का योग हालांकि पुरुष और नारी का योग है लेकिन ये प्रतीक किस चीज का है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है देवता और देवी का योग है ऐसा कुछ नहीं है देवता और देवी का योग है ये देव और उसकी शक्ति का योग है ये क्या है देव और उसकी शक्ति का योग है जो जो पुरुष और जो नारी मानी गई है वो एक दूसरे का आ, क्या माना गया है एक दूसरे की परछाई ही मानी गई है एक दूसरे की संयुक्त शक्ति ही मानी गई है क्या मानी गई है शक्ति मानी गई है तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा क्या आ जाएगा सी बहुत बढ़िया तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जिसका भी आंसर सी आ रहा है जिसका भी आंसर सी आ रहा है मजा आ गया भाई साहब जिसका भी आंसर सी आ रहा है मजा आ गया क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है आगे बढ़ते हैं वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किससे प्रारंभ की किसने प्रारंभ की वासुदेव कृष्ण की पूजा वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जल्दी से आप लोग बताओ भागवतों ने या वैदिकारियों ने या फिर तमिल तमिलों ने या फिर किसने आभिरो ने तो क्या बताओगे भागवतों बताओ ने किसने भागवतों ने राइट आंसर क्या आ जाएगा नाइन का ए नेक्स्ट काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काव्य शैली का प्राचीनतम प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है चलो भाई जल्दी से आप लोग बताओ तो काठियावाड़ा के रुद्रा दमन के या अशोक के अभिलेख या राजेंद्र प्रथम के अभिलेख या उपरोक्त में से कोई नहीं अब आपको यह पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि भाई जो आपका प्राचीनतम जो आपका काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है इसका मतलब यह है जो प्राचीनतम का मतलब सबसे पुराना जो हमारा काव्य शैली का नमूना है वो हमें किस अभिलेख से मिला है वो हमें किस अभिलेख से मिला है तो देखो अशोक के अभिलेख भारत में सबसे पुराने पाए गए हैं अशोक के अभिलेख भारत में क्या पाए गए हैं सबसे पुराने पाए गए हैं इस बात को आप लोग जानते हो ठीक है भाई और क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अशोक के भाई भारत में सबसे पुराने अभिलेख पाए गए हैं तो ये तो सही बात है लेकिन जब अशोक ने रुद्रा दमन के रुद्रा दमन के अभिलेख में अपना योगदान दिया था तो वो चंद्रगुप्त से बाद में दिया था चंद्रगुप्त के बाद में दिया था तो जो काठियावाड़ा का जो रुद्रा दमन का अभिलेख है उसी से हमें क्या होता है भाई आपका प्राचीन काव्य शैली का क्या होता है पता चलता है किसका प्राचीन काव्य शैली का पता चलता है राइट आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा जो आपका ये अभिलेख है हमें कहाँ पे मिलता है गुजरात में मिलता है कहाँ पे गुजरात में मिलता है कहाँ पे मिलता है आप कहोगे भाई ये हमें गुजरात में मिलता है ठीक है भाई और जो काठियावाड़ा काठियावाड़ा है इसी में किसका जन्म हुआ था तो गांधी का जन्म हुआ था किसका गांधी का जन्म हुआ था ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है तो जो हमारी प्राचीन काव्यशैली है उसका जो हमें वर्णन मिलता है सबसे पहले वो किसमें रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है और इसी में हमें क्या मिलता है सुदर्शन झील का पता चलता है सुदर्शन इसी से हमें सुदर्शन झील का पता चलता है सुदर्शन झील का पता चलता है अब जो सुदर्शन झील है ये किसके किसके शासन 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 काल 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 में में बनी थी? में बनी थी थी तो आप बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में बनी थी किसके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में बनी थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में बनी थी ठीक है भाई और चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था जो राज्यपाल था वो कौन था तो आप बताओगे पुष्यगुप्त था कौन था पुष्यगुप्त पुष्य गुप्त था पुष्य गुप्त था फिर उसके बाद अशोक ने बनवाया था उसका निर्माण और अशोक के शासन काल में उसका गवर्नर कौन था था इस प्रकार से समझ गए राइट आंसर क्या आ आ आ आ जाएगा 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 आपका ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया भाई वेल्डन वेल्डन जिनका आंसर ए आ रहा है मजा आ गया भाई सब जिनका आंसर ए आ रहा है नेक्स्ट निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है हमें यह बताना है कि कौन सा जुमेड़ा जोड़ा सुमेलित नहीं है तो रवि कीर्ति किससे द्वितीय से संबंधित है यह आपका भावभूति कन्नौज के येसो बर, येसो बर्मन से संबंधित है या हरिशेण आपका किससे हर्ष से, संबंधित है या जो आपका डांडी है वो किससे नरसिंह बर्मन से संबंधित है जल्दी से आप लोग क्या बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत जल्दी से क्या बहुत ही आसान क्या है आंसर है ठीक है भाई हमें क्या करना है सुमेलित नहीं है मतलब जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है ठीक है भाई चलो जी तो हम लोग समझते हैं हम लोग समझते हैं देखो जो रवि कीर्ति है वो किसको कहा जाता है पुलकेशन द्वितीय को कहा जाता है किसको ध्यान से सुनना पुलकेशन द्वितीय को कहा जाता है भावभूति क्या थे कन्नौज के राजा थे भवभूति क्या थे कन्नौज के राजा थे लेकिन जो हरिशेण थे ये क्या थे दरबारी थे जो हरिशेण थे वो क्या थे दरबारी थे और किसके दरबारी थे तो ये समुद्र के दरबारी थे किसके समुद्र के दरबारी थे ये बात आपको समझ में आ गई है ये किसके दरबारी थे समुद्र के दरबारी थे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका भाई आ जाएगा क्या आ जाएगा सी विल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बकाया जो डांडी है ये किससे संबंधित थे आपका नर्सिंग बर्वन से संबंधित है किससे नर्सिंग बर्वन से संबंधित है क्लियर है ठीक है भाई अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई साहब भुवनेश्वर तथा पुरी भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है अब बताओ भाई साहब देखो हमने आपको कितनी शैलियां पढ़ाई थी तीन शैलियां पढ़ाई थी प्रमुख हमने आपको भारत में कितनी प्रमुख पिर्म, शैलियां पढ़ाई थी तीन पढ़ाई थी एक तो नागर शैली दूसरी द्रविड़ शैली और तीसरी बेसर शैली ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी शैली शैलियां हो जाएंगी जो बेसर शैली है उत्तर भारत में उत्तर भारत में आपकी जितने भी मंदिर बने हैं वो सब किस शैली में बने हुए हैं तो आप क्या बताओगे बेसर शैली में बने हैं क्या में बने हैं बेसर शैली में बने हुए हैं उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो किस में बेसर शैली में बने हैं दक्षिण भारत के जितने भी

तो ये भी आपका जो टेम्पल है ये टेंपल टेम्पल भुवनेश्वर टेम्पल और जो आपका पुरी में जो आपके मंदिर बने हैं वो सब नागर शैली में बने हैं किसमें नागर शैली में बने हैं यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बारह का क्या लगाओगे ए लगाओगे अजय जी अंजू जी प्रशांत जी क्या आ जाएगा भाई ए आ जाएगा नेक्स्ट सूची एक और सूची दो को क्या कीजिए मिलाइए यानी ये कौन हो जाएंगे लेखक हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे उनकी किताबें हो जाएंगी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई जल्दी से आप लोग क्या बताएं क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर बताएं सभी लोगों को आंसर बताना है भाई ठीक है सभी लोगों को आंसर बताना है तो देखो आप लोग जानते हैं कि जो ग्यासुद्दीन वर्णी था जो ग्यासुद्दीन वर्नी था इसने कौन सी पुस्तक लिखी है तो तारीख एफ्रोज शाही कौन सी तारीख एफर शाही तारीख फे तारीख हसन निज़ामी था जो हसन निज़ामी था इसने कौन सी पुस्तक लिखी है तो आप कहोगे भाई इसने कौन सी किताब लिखी है तो ताजुल मासर लिखी है कौन सी लिखी है ताजुल मासर लिखी है और मिनहाज उल सिराज इसने कौन सी पुस्तक लिखी है तो आप तुरंत बताओगे कि तबकाते नासरी लिखी है तो यही बिन अहमद इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी जाएगी तो तारीख ए मुबारक शाही तो राइट आंसर क्या आ जाएगा एक का संबंध किससे आना चाहिए एक का संबंध भाई आपका डी से आना चाहिए तो इधर तो देखो पांच है ये तो भाई साहब पहले ही गायब हो गया एक का संबंध डी से इधर है नहीं है यानी एक का संबंध किससे चार से है नहीं है इसका किससे किससे नहीं है एक का संबंध यार ए ए ए ए भैया 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 भैया

डी आंसर आ जाएगा क्या बात समझ में आ गई आपको बहुत बढ़िया वही शब्दित कीजिए सूची एक और सूची दो को क्या कीजिए सुमिलित कीजिए फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक इसके द्वारा कौन सा कार्य किया गया था या इससे संबंधित क्या है इससे संबंधित क्या है तो देखो आप लोग जानते हैं फिरोज तुगलक इसने क्या करवाया था नहरों का निर्माण करवाया था बम्फर तरीके से समझ गए इसने नहरों का निर्माण करवाया था फिर उस था है तुगलक और ये क्या था तुगलक वंश का राजा था जो कि तेरह सो, तेरा सो से लेकर और तेरह तक राजा रहा था कब तक तेरह तक राजा रहा था इसी ने क्या करवाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था किस पर ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों पर क्या लगवाया था भाई जजिया कर लगवाया था ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है और कुतुब मीनार का सबसे लास्ट में निर्माण भी किसने करवाया था तो तुगलक तो ने करवाया था क्लियर है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है अब बात करते हैं हम लोग किसकी नवरोज की वो बलवन की तो बलबन के समय में क्या हुआ था आपका नौरोज त्योहार शुरू हुए थे क्या हुआ था नौरोज त्योहार शुरू हुए थे ठीक है भाई तो अलाउद्दीन अलाउद्दीन के समय पे क्या हुआ था दीवान ए रियासत जहांगीर जहांगीर के आया था? था।, था? था और ये 1615 में, था। कौन था? था। में। और एक कैप्टन हॉकिंस भी आया था कौन आया था हॉकिंस भी आया था कैप्टन हॉकिंस भी आया था और ये कब आएगा ये 1608 में आएगा कैप्टन हॉकिंस आएगा और जल मार्ग से आएगा किससे जल मार्ग से आएगा और दो जहाज लाएगा एक का नाम था रेड ड्रैगन और एक का नाम था हेक्टर हेक्टर और रेड ड्रैगन दो जहाज लेकर आया था और इसी को जहांगीर क्या करेगा इंग्लिश खान की उपाधि देगा किसकी इंग्लिश खान की उपाधि देगा तो इसका से हो जाएगा? चार से हो जाएगा देखो एक का संबंध तीन से तो एक का संबंध तीन से इधर है नहीं है इधर है नहीं है इधर है हाँ है इधर नहीं है तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि बस आपको बसरते ये चीजें क्या है थोड़ी सी आपको दो चार पॉइंट दिए हैं चार में से दो याद है आंसर आ जाएगा चार पॉइंट दिए हैं चार में से आपको दो याद है आंसर आ जाएगा आंसर आपका क्या आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है भाई नेक्स्ट तो अब देखो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो टॉमस रो है वो किसके जहांगीर के तो कि भाई यात्री और ये क्या हो जाएगा शासन हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगा किसके शासन काल में आया था डायमेकस किसके शासन काल में आया था फायन किसके शासन काल में आया था हिंसांग किसके शासन काल में आया था मार्को पोलो किसके शासन काल में आया था तो ये चीजें आपको कुछ क्या करनी है पढ़नी है नेक्स्ट निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत वजीरों का विजारत चरमोक चरमोत्कर्ष पर हुआ था चरमो चरमोत्कर्ष पर हुआ था इसका मतलब यह है कि वजीरों का विजारत वजी, विजारत का, देखो वजीरों से तो हमें समझ में आ रहा कि वजीर क्या थे एक पद होता था वजीर लेकिन बिजारत का मतलब समझ में आ रहा बिजारत का मतलब बजीरों का ही माहौल या बजीरों का ही वर्चस्व वर्चस्व समझते हो ना वर्चस्व बजीरों का ही वर्चस्व था तो बजीरों का वर्चस्व था किस शासन में था क्या इलवरी शासन में था या खिजली शासन में था या तुगलक शासन में था या फिर किस में लोधी शासन में था तो देखो हम आपको बताएं खिजली शासन में तो देखो था नहीं ना लोधी शासन में था किस क्या जाएगा आपका तुगलक आ जाएगा क्या जाएगा तुगलक वंश तुगलक वंश में जो मैक्सिमम शासन रहा है वो किसका रहा है बजीरों है, का रहा है किसका बजीरों का रहा है राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका भाई आपका सी आ जाएगा क्या आ जाएगा सी आ जाएगा क्योंकि जो तुगलक जो ग्यासुद्दीन तुगलक था वो भी क्या था एक बजीर था जो गयासुद्दीन तुगलक था वो भी क्या था एक बजीर था कौन गयासुद्दीन तुगलक क्वेश्चन पूछा जाता है गयासुद्दीन ग्यासुद्दीन तुगलक था जो कि एक बजीर था और इसने क्या किया था इसने भाई साहब तुगलक वंश की स्थापना की थी कब तो 1320 में 1320 में क्या हो जाएगी तुगलक वंश की स्थापना हो जाएगी और ये 1300 1325 तक क्या रहेगा राजा रहेगा ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है समझ गए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था इसके गुरु का क्या नाम था इसके गुरु का नाम तो आप क्या बताओगे निजामुद्दीन औलिया निजाम

तो 1526 तक चलती है कब तक 1526 तक क्या चलती है दिल्ली सल्तनत चलती है समझ गए बात को अभी हम आपको सारी चीजें बताते हैं ये देखो भाई साहब ये देखो भाई साहब ये आपकी क्या हो जाएगी पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत हो जाएगी ये आपका गुलाम वंश हो जाएगा नोट करते जाएंगे जो कि आपका बारह से लेकर बारह तक चला दूसरा हो जाएगा खिलजी वंश जो कि आपका बारह से बारह बारह सौ नब्बे से तेरह सौ बीस तक चला और तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश जो आपका तेरह सौ बीस से लेकर चौदह सौ चौदह तक चला और चौथा हो जाएगा आपका कौन सा सैयद वंश जो आपका चौदह सौ चौदह से लेकर आपका चौदह सो इक्यावन तक चला और पांचवा हो जाएगा कौन सा लोधी वंश जो आपका चौदह से 15, तक चला और यही क्या है? से, यही क्या क्या है 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 अंतिम अंतिम वंश वंश भी आपको याद रखना है। इसका अंतिम राजा कौन सा हो जाएगा इब्राहिम इब्राहिमी कौन हो जाएगा इब्राहिम लोदी हो जाएगा इब्राहिम इब्राहिम लोदी हो जाएगा लोदी वंश की स्थापना किसने की थी बहलोल लोदी ने किसने बहलोल लोदी ने की थी सैयद वंश की स्थापना किसने की थी तो खिजिर खान ने की थी ठीक है भाई तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी तो आप बताओगे ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी तो फिरोज खिलजी ने की थी किसने फिरोज खिलजी ने की थी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी तो आप कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ने ने की की थी किसने की थी किसने ठीक है भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इन सभी चीजों को आपको क्या रखना है याद रखना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब देखो सूची एक और फिर सूची दो को मिलाओ भाई फिर एक सूची और एक सूची मतलब पहली सूची और दूसरी सूची को आपको क्या करना है मिलाना है अकबर अकबर है ना अकबर ने क्या किया था इनमें से इनमें से कौन सा कार्य करवाया था अकबर ने तो आई दह दह थी? ने दहशाला की स्थापना करवाई थी किसकी दहसाला की स्थापना करवाई थी ठीक है भाई मोहम्मद तुगलक मोहम्मद तुगलक मोहम्मद तुगलक ने ऐसा कौन सा काम करवाया था तो मोहम्मद तुगलक का जो आपका मोहम्मद तुगलक ने क्या करवाया था भाई साहब ये मोहम्मद तुगलक इसका मतलब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक इसने क्या करवाया था मुद्रा परिवर्तन करवाया था मुद्रा परिवर्तन इसने क्या करवाया था अपने शासनकाल में मुद्रा परिवर्तन करवाया था और जब मुद्रा परिवर्तन करवाया था तो ये नाक के बल गिरा था नाक के बल गिरने का मतलब बहुत बुरी तरीके से ये गिरा था इसका जो राजस्व व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी चरमरा गई थी जैसे हमारे भारत में नहीं मोदी ने फरमान जारी कर दिया था भाई और बहनों सोलह नवम्बर सॉरी आठ नवंबर दो की वो रात भाई और बहनों कल से आपके पांच सौ एक हजार के नोट नहीं चलेंगे इस बात का मुझे बहुत खेद है तो कृपया करके कल से बैंक 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 में 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 लाइन लाइन लगा लगा लो लो बैंक में लगा लो क्या कर भी अपने से ये क्या था असफल राजा रहा ठीक है भाई तो इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका चार से हो जाएगा जो इल्तु तमिश था इसने क्या करवाया इसने चहलगानी अमीर मतलब चहलगानी अमीरों की स्थापना की चहलगानी की चहलगानी की स्थापना की अब इस चहलगानी में क्या होता था इस चहलगानी में चालीस वजीर रहा करते थे या चालीस क्या रहा करते थे चालीस सरदार रहा करते थे अब ये जो चालीस के चालीस सरदार हैं रहते थे ये क्या करते थे सुल्तान की सेवा करते थे क्या करते थे सुल्तान की सेवा का मतलब ये नहीं है सुल्तान की सेवा का मतलब सुल्तान की रक्षा किया करते थे सुल्तान की रक्षा किया करते थे ठीक है भाई शेरशाह सूरी इसने क्या करवाया था सड़क ए आजम का निर्माण करवाया था जिसको हम लोग आज वर्तमान में क्या बोलते हैं जी रोड बोलते हैं क्या बोलते हैं जी रोड बोलते हैं इसका निर्माण पंद्रह

है नहीं अरे वाह है, रे वा, वा, है रे वा, वा, कैसे याद कर लोगे कैसे याद कर लोगे है रे वा, वा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा जाएगा बी क्या बात समझ में आ गई आपको बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हम कह रहे हैं आपको इस की में, इस प्रकार प्रकार के के ऑप्शनों में में क्वेश्चनों सिर्फ दो चीजें याद हो दो चीजें क्वेश्चन का आंसर गलत हो नहीं सकता है गाइज क्वेश्चन का गलत आंसर हो नहीं सकता है गाइज बस सेशन को एक बार शेयर कर दो तुम लाइक कर दो फिर देखो क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं ठीक है भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मुगल काल में जवाबित क्या था मुगल काल में जवाबित क्या था यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मुगल काल में जवाबित क्या था कृषि संबंधित कानून था या राज्य कानून था या फिर हिंदुओं से संबंधित मामले थे या फिर क्या था उपरोक्त में से कोई नहीं तो जो मुगल काल में जो जवाबित था इसको हम लोग क्या बोलते थे बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है जल्दी से आप लोग क्या करें इसका आंसर करें जल्दी से इसका आप लोग क्या करें आंसर करें मुगल काल मुगल काल में जवाबिद क्या था अब देखो हम लोग थोड़ा सा मुगल काल के में बारे में पढ़ते हैं मुगल क्वेश्चन पूछा जाता है मुगल वंश मुगल वंश इसको किसने आरंभ किया तो आप बताओगे बाबर ने किसने बाबर ने आरंभ किया कब आरंभ होता है ये तो आप कहोगे ये आरंभ हो जाता है आपका कब ये प्रतापी प्रतापी राजा कौन माना जाता है तो औरंगजेब माना जाता है कौन औरंगजेब औरंग औरंगजेब औरंग माना जाता है औरंगजेब माना जाता है ये भी आपको याद रखना है इसी को हम लोग जिंदा पीर के नाम से जानते हैं किस नाम से जिंदा पीर के नाम से जानते हैं भाई साहब जो अपने पिता को ही बंदी बना बना के राजा बन जाए उसको क्या कहेंगे और इसी को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं जो इससे प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है इसने 1675 में क्या करवाया था 1675 में इसने सिख धर्म के नौवें गुरु तेज बहादुर सिंह की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने 1600 छियासी में क्या करवाया था बीजापुर को जीता था और सोलह को किस में किसको जीता था गोलकुंडा को जीता था, था। यह भी आपको याद रखना है इसके बाद मुगल काल में जो आपका शाहजहां था जो शाहजहां था शाहजहां जहां था इसका जो शासन काल है वो क्या कहलाता है कला का काल कहलाता है। फिर मुगल काल में जो आपका कौन रहा जहांगीर रहा कौन जहांगीर जहांगीर रहा इसका शासन इस, इसका शासन चित्रकला का किसका चित्रकला का चित्रकला का क्या कहलाता है काल कहलाता है ये भी आपको याद रखना है आ जाओ जवाबित पर तो जो जवाबित था ये क्या था एक प्रकार का राज्य कानून राज्य का कानून था था ये क्या था? एक प्रकार का राज्य का कानून था क्या था कानून था तो जो जवाबिद था ये मुगल काल में एक प्रकार का राज्य का कानून था और किसके शासन काल में ये अकबर के शासन काल में किसके अकबर अकबर के शासन काल में क्या था कानून था ये भी आपको याद रखना है और अकबर ही एक ऐसा राजा था जिसने भाई बहुत कुछ काम किया था और अकबर ने लड़के और लड़कियों की एज भी विवाह की एज भी डिसाइड की थी अकबर ने लड़कियों को ये वो भी दी थी कि जो लड़कियां हैं वो अपने पसंद का वर्ष होने और जब तक लड़की की मतलब लड़की की इच्छा नहीं है कि मेरी इस बंदे से शादी नहीं करनी है तो मम्मी पापा भी नहीं करते थे क्योंकि अकबर राजा था और अकबर ने ये अपना फरमान जारी कर रखा था कि कोई भी ऐसी शादी नहीं करवाई जाएगी जिसमें लड़की की मर्जी ना हो है ना इस टाइप से कुछ चीजें हैं बहुत बढ़िया तो राइट आंसर क्या आ जाएगा Right answer क्या 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 आ आ आ जाएगा 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 आपका भाई द द जाएगा. जाएगा? Right लगाओगे आप लोग right चलो जी आगे बढ़ते हैं next. अब ये देखो जैसे कि हमने आपको बताया कि मुगल वंश का जो आपका प्रारंभिक राजा था वो कौन सा था तो आप तुरंत बताओगे कि भाई बाबर था कौन था बाबर था तो बाबर के बाद जो अंतिम राजा हो जाएगा वो कौन हो जाएगा बहादुर शाह बहादुर द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय है ना ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम राजा हो जाएगा और इसी ने क्या किया था अठारह के विद्रोह में अठारह के विद्रोह में क्या किया था अपना योगदान दिया था और इसको फिर इस इससे किला विला सबको छीन के अंग्रेजों ने पे भगा दिया था इसको रंगून भगा दिया था कहां पे रंगून भगा दिया था रंगून रंगून भेज दिया था जो कि आपका म्यांमार में पड़ता है और वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी वहीं इस पर इसका क्या है मकबरा है तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा बहादुर शाह है और पहला शासक कौन हो जाएगा बाबर और ये कुछ और शासक है ये आपका ये किसके बाद बनेगा औरंगजेब के बाद बनेगा औरंगजेब 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 औरंग औरंगजेब औरंग, औरंग तक तो पढ़ने में मजा है मुगल का बकाया है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे हम आंसर करेंगे हम आशा करेंगे कि सब लोग इसका आंसर करें बाबू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर दो कि जो रणजीत सिंह थे ये किस मिसल के थे अब देखो हम आपको बताते हैं हम आपको बताते हैं जो आपका क्या था सिख वंश जो सिख समुदाय था जो आपका सिख वंश था या सिख समुदाय था वो कितने भागों में बट गया था वो आपका बारह भागों में बट गया था कितने बारह भागों में बट गया था अब जब वो बारह भागों में बट जाएगा तो ये भाग कौन कौन से है? जैसे हैं जैसे हमने बोल दिया सुकर चकिया मिसल और संगवलिया संगवालिया और आहलूवालिया और रामगढ़िया और बहुत सारी मिसलें थी बहुत सारी मिसलें थी लेकिन उन्हीं में से जो आपका शुकर चकिया मिसल है जो शुकर चकिया मिसल है इसी के वंशज थे कौन रणजीत सिंह राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आ

पक्षधर था कौन समझौते पर क्या था पक्षधर था तो कौन था ये हैदराबाद था या जम्मू कश्मीर था या फिर कौन था अवध था या फिर कौन था मैशूर था ये आपको क्या करना है याद रखना है चलो जी जल्दी से आप लोग बताओ तो देखो आप लोग जानते हैं जो मैसूर था ये क्या था वर्तमान का कर्नाटक ये वर्तमान का क्या था कर्नाटक था क्या था वर्तमान का कर्नाटक था ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है जो अवध था ये हमारा क्या था अवध को हम लोग अवध का पुराना नाम क्या था तो कौशल था क्या था कौशल था ये भी आप लोग क्या रखोगे याद रखोगे और कौशल की राजधानी क्या थी तो आप बताओगे श्रावस्ती थी क्या थी श्रावस्ती थी ये भी आप लोग याद रखोगे अवध आपका कहाँ पर पड़ता था तो यूपी में पड़ता था कहाँ पर यूपी में पड़ता था जो जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर एक आपकी रियासत थी ही है ना और हैदराबाद क्या आ जाएगा आपका बिल बी द राइट आंसर हैदराबाद बिल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हैदराबाद एक क्या थी रियासत थी और इसने सबसे पहले क्या किया था ऐसावत समझौते का पक्षधर किया था तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा अब लेकिन जो हैदराबाद रियासत है इसको मिलाने के लिए इसको भारत में मिलाने के लिए क्या चलाया गया था 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था तब जाके हैदराबाद रियासत हमारे भारत में मिली थी तब जाके रियासत हैदरा बहुत सारी रियासतें हैं वो तो ऐसे ही मिल गई थी लेकिन कुछ रियासतें ऐसी हैं जैसे है, हैदरा हैदराबाद रियासत और आपका जम्मू का जम्मू जम्मू कश्मीर और उसके बाद हम बात करें गोवा वगैरह इनको भारत में मिलाने के लिए काफी हमें कुछ करना पड़ा ठीक है भाई संघर्ष करना पड़ा तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा क्या आ जाएगा ए विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत से लोगों का डी आ रहा है।, है तो क्या जाएगा आपका हैदराबाद आ जाएगा क्या जाएगा हैदराबाद शानदार चलो जी आगे बढ़ते हैं निम्न निम्न यूरोपीय शक्तियों का भारत में व्यापार के लिए आगमन कैसे हुआ कब हुआ कौन सी शक्ति पहले आई कौन सी शक्ति बाद में आई ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो देखो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया तो ये क्या आया पुर्तगाली ये सबसे पहले आए ये सबसे पहले आए और पुर्तगाली में से पहला पुर्तगाली कौन आया तो आप बताओगे वास्को डिगामा कौन वास्को

इक्कीस का क्या आ जाएगा बी आ जाएगा एक तो ये होता है क्वेश्चन पहचानने का तरीका दूसरा तरीका ये होता है कि आपको एक तो इसके बारे में भी पता हो फिर दूसरे नंबर पर कौन आए थे आप कहोगे भाई दूसरे नंबर पर कौन आए डच आए कौन आए डच आए दूसरे नंबर पे कौन आए आ, आ? आ, आ जाएंगे आपके डच आ जाएंगे तो चार के बाद फिर क्या आना चाहिए दो आना चाहिए फिर तीसरे नंबर पे कौन आए अंग्रेज आए कौन आए अंग्रेज आए तो दो के बाद फिर क्या आना चाहिए एक आना चाहिए फिर आपको ऐसे पता होना चाहिए और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला अंग्रेज कौन सा आया था तो आप क्या बताओगे भाई जॉन मिल्डेन हॉल जो कि आपका पंद्रह निन्यानवे में आया था कौन पंद्रह निन्यानवे में आया था जॉन मिल्डेन हॉल जॉन मिल्डेन हॉल मिल्डेन हॉल हॉल जॉन एक ऐसा आपका अंग्रेज था था जो कि सबसे पहले आया भारत में और ये किस मार्ग से आया था तो ये थल मार्ग से आया था किससे थल मार्ग से आया था ये भी आपको याद रखना है फिर चौथे नंबर पे तो आपका ये हो ही जाएगा तो एक तो ये तरीका होता है और एक ये तरीका होता है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ऊपर देखना है और नीचे भी देखना है ऊपर नीचे दोनों तरफ देखना है तब जाके आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा राइट आंसर क्या बन जाएगा भी बन जाएगा बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे को राम राम अब आप कहोगे सर जी हमें यह बताओ कि ये आपकी क्या हो जाएगी भारत में कंपनियां आएंगी ये भारत में क्या आई भाई कंपनियां आई तो क्वेश्चन पूछा जाता है पी डी, डी डी एफ इसका मतलब हो जाएगा पहले आए पुर्तगाली कौन आए पुर्तगाली आए

चौदह में इनकी फैक्ट्री स्थापित हो गई थी और डेनिश अंग्रे, लोगों की 1602 में फैक्ट्री स्थापित हो गई थी डेनिश लोगों की कब सोलह सो सोलह में फैक्ट्री स्थापित हुई थी और फ्रांसिस की सोलह में सोलह में इन लोगों ने अपनी कंपनी बनाई थी कब सोलह में तो इनकी ये भी पूछा जाता है कि इनकी कंपनियों का क्रम क्या है अब देखो जो डेनिस हैं जो डेनिस हैं ये आए दूसरे नंबर पे हैं ये आए दूसरे नंबर पे हैं लेकिन अपनी कंपनी तीसरे नंबर पे स्थापित की कौन से नंबर पे तीसरे नंबर पे स्थापित की देखो जरा 1602 तीसरे नंबर पे आ रहा दूसरे नंबर पे ये 1600 आएगा आएगा कि नहीं आएगा तो ये चीजें भी आपको क्या रखनी है याद रखनी है समझ गए ये क्या हो जाएगा आने का उनका क्रम हो जाएगा पुर्तगाली शक्तियों का बहुत बढ़िया एकदम शानदार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई इन सभी चीजों को आपको क्या रखना है बाबू याद रखना है बहुत बढ़िया सोलह नहीं है सोलह है अट्ठानवे सोलह सो ये तो आपका सोलह सो है क्या है सो में क्या आए थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी नेक्स्ट ये देखो सारी चीजें लिखी हुई हैं चौदह में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में क्या अंग्रेज और उसके बाद क्या है डच आए उसके बाद मतलब डच दूसरे नंबर पे आए लेकिन यहाँ पे लिखा है वैसा सोलह सो में सोलह में और सत्रह में आपकी स्वीडेश आए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पांडुरंग प्रार्थना समाज से संबंधित थे पांडुरंग किससे प्रार्थना समाज से, से संबंधित थे या दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित थे राजा राम मोहन राय और आदि ब्रह्म समाज से संबंधित थे और विवेकानंद किससे संबंधित थे तो आप बताओगे रामकृष्ण मिश्र से संबंधित थे किससे रामकृष्ण मिश्र मिश्र से संबंधित थे क्या आंसर आपको लगता है इसका क्या आंसर हो जाएगा फूल नहीं ये मेरा दिल है तो देखो भाई सब आ जाओ जो पांडुरंग है आत्मा रंग पांडुरंग है कहीं ना कहीं ये ये किससे संबंधित है ये आपके प्रार्थना समाज से संबंधित है ठीक है भाई ये तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने क्या किया था इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी कब की थी इन्होंने अठारह में की थी कब की थी 1875 में क्या की थी भाई दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने कौन सा नारा दिया था इन्होंने स्वराज नारा दिया था स्वराज 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 शब्द भी दिया था यह भी आपको याद रखना है और उसके बाद इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लोटो कौन सा वेदों वेदों की ओर लोटो वेदों की ओर लोटो ये भी इन्होंने क्या दिया था नारा दिया था जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसकी ब्रह्म समाज की की स्थापना थी तो राइट आंसर क्या क्या आ आ आ जाएगा 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 आपका यदि दे, आप हम लोग बात करें किसकी राजा राममोहन राय की तो इन्होंने क्या किया था ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब अठारह सो अठाईस में अठारह सो अट्ठाईस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी अकबर द्वितीय ने दी थी और राजा राममोहन राय नहीं अठारह में अठारह में आत्मीय समाज की स्थापना की थी किसकी आत्मीय समाज की स्थापना की स्थापना थी ये भी आपको क्या रखना है भाई याद रखना है समझ गए और विवेकानंद ने क्या किया था रामकृष्ण मिश्र की स्थापना की थी अठारह में कब अठारह में किसके नाम पर किसके नाम पर तो अपने गुरु के नाम कर नाम पर इनके विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस क्या नाम था रामकृष्ण परमहंस ये अमेरिका के धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब गए थे तो अठारह में गए थे और इन्हीं के पर हम लोग क्या मनाते हैं? मनाते हैं हैं राष्ट्रीय युवा दिवस बारह जनवरी को यह भी आपको याद रखना है तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा क्या आ जाएगा सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार तो जिनका भी आंसर आ रहा है भाई साहब सी मजा आ गया जिनका भी आंसर सी आ रहा है मजा आ गया है ना बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब ये देखो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है जैसे भाई किसके बारे में ये आपके हो जाएंगे कौन ये ज्योतिबा फूले हो जाएंगे कौन हो जाएंगे ज्योतिबा फूले हो जाएंगे ज्योतिबा फूले, फूले का जन्म कब हुआ था <laughs> उनकी शादी कब हुई थी है ना इनको दलितों का मसीहा भी कहा जाता है दलितों का मसीहा इन्होंने क्या किया था सत्य सुधक समाज की भी स्थापना की थी किसकी समाज की स्थापना भी की थी किसने ज्योतिबा फूले ने क्लियर है इनकी बुकें हो जाएंगी गुलाम गिरी गुलामी है ना किसान का किसान का तोड़ा वगैरह ऐसी ऐसे करके इनकी किताब हो जाएंगी जो हमसे बहुत पूछी आती है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो जी आगे बढ़ते हैं तो देखो ये हमारे क्या हो जाएंगे कुछ समाज ये हमारे क्या हो जाएंगे कुछ समाज हो जाएंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे कुछ व्यक्ति हो जाएंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे कुछ पीपल हो जाएंगे लोग हो जाएंगे और सॉरी ये हमारी क्या हो जाएगी कुछ समाजें हो जाएंगी कुछ क्या हो जाएंगी समाजे हो जाएंगी ये वो संस्थापक हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे वर्ष हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे वर्ष हो जाएंगे ठीक है भाई तो इनको भी आपको पढ़ना है जैसे प्रार्थना समाज आर्य समाज और आपका कृष्ण मिश्र और रामकृष्ण मिश्र ब्रह्म समाज आत्मीय समाज की किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको क्या करना है पढ़ना है ठीक है सर क्लास कब तक चलेगी कब तक चलेगी ये क्लास। ये क्लास? भाई आपकी बस तेईस क्वेश्चन है थर्टी फाइव क्वेश्चन है टोटल पैंतीस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की सख्ती दी गई थी अब भाई भारत का गवर्नर जनरल है तो उसको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाए है ना क्योंकि भाई वो भी तो क्या है भारत का गवर्नर जनरल है जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है अरे भाई शमी, ये क्या हो गया जिस प्रकार से जो भारत का क्या होता है राष्ट्रपति जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास क्या है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल वन टू थ्री यानी आर्टिकल एक सौ तेईस के अनुसार क्या कर सकता है अध्यादेश जारी कर सकता है उसी प्रकार से भारतीय अधिनियम आपका 1861 1861 के अनुसार जो भारत का आ, क्या था गवर्नर जनरल था वो क्या कर सकता था अध्यादेश जारी कर सकता था तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा बहुत बढ़िया रिया सिंह शानदार भाई शानदार सबसे पहले रिया सिंह का आंसर आया भाई साहब है ना एग्जामपुर तू तो भाई साहब बाबला हो गया गाइस तू तो भाई साहब बाबला हो गया पढ़ता नहीं है भाई साहब क्यों बहुत बढ़िया तो क्या लगाओगे आप लोग बी लगाओगे बी बिल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तेईस का बी आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था यह आपको क्या करना है बताना है ऐसा कौन सा व्यक्ति हो जाएगा जिसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो जाएगा जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो रहा था तो ये कह रहे थे भाई और बहनों कल से आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने वाला है तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा संख्या हमारे साथ आइए हमारे जुलूस हमारे जुलूस में जुड़िए और हम सब जुड़कर हम सब सम्मिलित होकर इन अंग्रेजों को इन फिरंगियों को भगाएंगे इन फिरंगियों को भगाएंगे और नारे लगाएंगे भारत छोड़ो अंग्रेजो भारत छोड़ो अंग्रेजो भारत छोड़ो इस प्रकार के जो आपके रेडियो भाषण किए थे वो किसने किए थे उषा मेहता ने किए थे किसने उषा मेहता ने किए थे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है भाई अब भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो अब देखो आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका प्रस्ताव इसका प्रस्ताव इसका प्रस्ताव किसने पेश किया था तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था कहां पे पेश किया था तो आप कहोगे कांग्रेस में पेश किया था किसमें कांग्रेस में, में पेश किया था ये भी आपको याद रखना है कब पेश किया गया था आठ अगस्त को कब आठ अगस्त उन्नीस में पेश किया गया था लेकिन इसको कब पास कराया गया था इसको पास कब कराया गया था तो इसको पास कराया गया था नौ अगस्त को कब नौ अगस्त उन्नीस में इसको पास कराया गया था फिर इसी टाइम पे क्या होता है नौ अगस्त उन्नीस में क्या क्या चलता है भारत छोड़ो आंदोलन चलता है भारत छोड़ो आंदोलन चलता है यह भी आपको क्या रखना है याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन चलता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें कौन सा नारा दिया गया था इसमें कौन सा नारा दिया गया था तो आप ब, आप बताओ कि करो या मरो का नारा दिया गया था करो या मरो का नारा दिया गया था यह भी आपको क्या रखना है याद रखना है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था तो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया था यह भी आप क्या रखोगे याद रखोगे और इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी गांधी की थी किसकी थी गांधी की थी क्योंकि जो करो या मरो का नारा किसने दिया था गांधी ने दिया था समझ गया बात को अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ये सबसे पहले किस पत्रिका में लिखा गया था ये सबसे पहले किस पत्रिका में लिखा गया था तो वो लिखा गया था हरिजन में हरिजन हरिजन जो हरीजन पत्रिका है ये आपकी 1933 में प्रकाशित हुई थी और ये किसकी किसकी थी की थी किस की थी थी गांधी गांधी की की हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ये सबसे पहले किस पत्रिका में लिखा गया था तो ये सबसे पहले हरिजन पत्रिका में लिखा गया था और दलित लोगों को हरिजन नाम भी किसने दिया गांधी ने दिया राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा क्या आ जाएगा सी विल बी दूर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार एकदम शानदार बहुत बढ़िया यार तुम लोग यार कैसे मतलब तुम लोग जैसे भाई साहब बचपन में भाई बहन नहीं लड़ते दे भाई साहब दे महाराज दे धूम है धूम है ऐसे मत करो यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो लड़ाई मत करो यार आपस में ठीक है भाई है ना कैसी बातें करते हो तुम लोग जो तुम लड़ाई करोगे और नए नए लोग आएंगे तो वो क्या सोचेंगे भाई साहब यार बताओ कैसे बच्चे हैं यार ये तो लड़ते हैं यार नई नई मित्र आएंगी तो वो क्या सोचेंगे भाई साहब ये कैसे स्टूडेंट है ये कैसे मित्र है भाई साहब ये कैसे सहेला है भाई साहब ये तो लड़ रहे है भाई हैं भाई साहब है बहुत बढ़िया ऐसे मत करो यार चलो जी तो आगे बढ़ते हैं तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका <laughs> यहाँ भी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है क्या तुमने अभी भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया क्या भाई साहब ऐसे मत करना ठीक है आप दोबारा नहीं चलना चाहिए एक बार चल गया तो चल गया राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं आजाद हिंद फौज का विचार किसने दिया था आजाद हिंद फौज का विचार किसने दिया था मोहन सिंह ने या आपका निरंजन सिंह गिल ने या फिर किसने किसने ने या फिर ने? सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जल्दी से आप लोग क्या बताएं क्वेश्चन नंबर पच्चीस का आंसर बताए आजाद हिंद फौज का जो आपका विचार है वो किसने दिया था अब इसमें बहुत से लोगों का आंसर गलत आएगा बहुत से लोग डगमगा के गिर जाएंगे भाई साहब बहुत से लोग लौट जाएंगे है ना बहुत बढ़िया एकदम शानदार क्या <खेगा> मुझे मॉनिटर बना दो अरे भाई साहब तुम्हें तो मॉनिटर हो और क्या है तुम्हें तो मॉनिटर हो बहुत बढ़िया कविता यादव बहुत बढ़िया कविता का पहला कमेंट आया भाई साहब यदि पहले भी किया हो तो हमने देखा नहीं है लेकिन भाई साहब कविता यादव बहुत बढ़िया पढ़ने वाली लड़की है बहुत बढ़िया कमेंट करती है भाई हर एक क्वेश्चन का कमेंट करती है और जैसे एक क्वेश्चन हो तो उसका आंसर है वो तो करना ही है उसको और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी उसको आता होगा ना वो भी वो कमेंट करती है भाई साहब है ना चलो जी तो देखो जो आजाद हिंद फौज है इसका जो विचार दिया था वो किसने दिया था मोहन सिंह ने दिया था किसने कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने क्या की थी इसकी स्थापना की थी 1942 में कब 1942 में 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 इसकी स्थापना की थी ठीक है भाई फिर 1900 1943 1943 क्या किया गया था सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया था इसका सर्वोच्च कमांडर बनाया गया था है ना सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया था सर्वोच्च कमांडर बनाया गया था और जब सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वोच्च कमांडर बन जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस के नीचे कितने दो लोग काम करेंगे दो ब्रिगेडियर काम करेंगे एक का नाम था सुभाष ब्रिगेडियर एक का क्या नाम था सुभाष ब्रिगेडियर था एक का क्या नाम था सुभाष ब्रिगेडियर जो कि क्या थे पुरुषों के ब्रिगेडियर थे जो कि क्या थे पुरुषों के ब्रिगेडियर थे और सुभाष चंद्र बोस के नीचे एक और महिला ब्रिगेडियर काम किया करती थी कौन सी महिला ब्रिगेडियर काम किया करती थी जिसका नाम था लक्ष्मी ब्रिगेडियर लक्ष्मी क्या नाम था लक्ष्मी लक्ष्मी ब्रिगेडियर तो ये भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए कि जो लक्ष्मी ब्रिगेडियर थी वो आपको उसने उसने किस उसमें किस उसने किस उसने उसमें अपनी भूमिका निभाई थी तो आप कहोगे भाई उसने आजाद हिंद फौज में अपनी भूमिका निभाई थी तो राइट आंसर क्या जाएगा? ये क्या आ जाएगा 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 आपका ए ए बी द दे, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है भाई क्या लगाओगे आप लोग ए लगाओगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार आगे बढ़ते हैं अब आगे आप तो भाई साहब त्रिपुरा और हरिपुरा अधिवेशन चिल्ला रहे बहुत चिल्ला रहे भाई साहब चलो जी तो देखो सुभाष चंद्र बोस ने सुहासचंद बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना अब देखो भाई सब प्यारा क्वेश्चन है स्वास्थ्य चंद बोस ने क्या दे दिया त्याग पत्र दे दिया है ये कब दे दिया तो क्या हुआ हम आपको बताते हैं हम हम आपको बताते हैं जो हैं हैं ये में क्या बनते अध्यक्ष बन जाते हैं में कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं क्या बन जाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे और जब कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे पंद्रह वर्षीय योजना चलाएंगे पंद्रह वर्षीय योजना चलाएंगे पंद्रह वर्षीय योजना चलाएंगे जनता के लिए तो जनता इनसे क्या रहती है बहुत ज्यादा खुश रहती है जनता इनसे क्या रहती है बहुत ज्यादा खुश रहती है अब जब जनता इनसे बहुत ज्यादा खुश रहती है तो जनता क्या कहेगी इनसे कहेगी कि सुभाष जी आप एक काम करना आप उन्नीस 19 में भी अध्यक्ष बनना यानी अगले साल भी कौन बनेंगे आप ही अध्यक्ष बनेंगे तो सुभाष चंद्र बोस बो, बोलते हैं ठीक है भाई साहब हम, हम अध्यक्ष बन जाएंगे तो उन्नीस में भी कौन हेड बन जाएंगे सुभाष चंद्र बोस हेड बन जाएंगे अब इस बात का पता चलेगा गांधी जी को गांधी जी को जैसे ही पता चला कि सुभाष चंद्र बोस लगातार दो दो बार लगातार दो दो बार सुभाष बुलाओ जा, बुलाओ सुभाष चंद्र बोस को बुलाओ हाँ भाई तो जब कांग्रेस में यह नियम था कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य एक ही बार अध्यक्ष बनेगा तो तुम दो दो बार कैसे तो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी हमें तो जनता ने मनाया है जनता हमसे खुश है हमने जनता के लिए अच्छा काम किया है जनता हम पे मरती है हम जनता पे मरते हैं तो गांधी जी कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता आप दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकते तो सुभाष चंद्र बोस कहेंगे गांधी जी आप तो बस हमारे बीच में भाई साहब करते रहते तो हमारे बीच में भाई साहब टांग अड़ाते रहते तो गांधी जी कहेंगे नहीं नहीं यदि तुम्हें इतना अपने आप पे वो है कि तुम्हें जनता ने बनाया है तो आप एक काम करो आप चुनाव लड़ लो आप क्या लड़ लो चुनाव लड़ लो तो सुभाष चंद्र बोस कहेंगे गांधी जी हम तो चुनाव के हम कुछ भी लड़, लड़ लेंगे क्योंकि हम तो क्या है लीगल है हमें तो जनता ने बनाया है और जनता यदि हमें चाहती है तो वो चुनाव में भी जिता देगी तो गांधी जी कहेंगे ठीक है भाई सब अब अभी जनता को पता नहीं है कि गांधी का प्रतिनिधि पट्टा भी सीता है गांधी को पता नहीं है सॉरी जनता को पता नहीं है जनता को जनता को पता नहीं है कि गांधी का प्रतिनिधि पट्टा भी सीता है तो गांधी ने अपना प्रतिनिधि किसको चुन लिया पट्टा भी सीता को चुन लिया और यहाँ पे कौन है सुभाष बाबू हैं यहाँ पे कौन है सुभाष बाबू हैं अब इन दोनों के बीच क्या होगा चुनाव होगा और जब इन दोनों के बीच क्या होगा चुनाव होगा तो सुभाष चंद्र बोस को मिलेंगे पंद्रह सो अस्सी वोट और पट्टा भी सीताराम को मिलेंगे तेरह सो वोट कितने तेरह सो वोट अब पट्टा भी हार जाएगा पट्टा भी हार जाएगा गांधी का चेहरा डाउन मैं अब सारे के सारे आंदोलन छोड़ दूंगा मैं जनता से भाई साहब दुखी हो गया हूं मैं मैंने जनता के लिए क्या क्या नहीं किया है जनता ने मुझे कौन से दिन दिखाए हैं ये वाले दिन दिखाए हैं तो जनता को जनता को लगा हैं। ये गांधी जी का प्रतिनिधि था हमने इनको हरा दिया हमने इनको क्या किया हरा दिया तब भाई साहब जनता ने सोचा कि यार गांधी जी को दुखी नहीं करना है भाई साहब गांधी जी हमारे लीडर हैं गांधी जी हमारे क्या है लीडर हैं तो जनता ने कहा एक काम करते हैं सुभाष चंद्र बोस से जनता ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी आप एक काम करो त्याग पत्र दे दो क्योंकि देखो गांधी जी आप तो जानते हैं गांधी जी तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा ठीक है भाई सब जनता ने हमें बनाया है जनता में है, हमें बिगाड़ सकती है हमें हटा सकती है तो जनता ने रिक्वेस्ट की किससे सुभाष चंद्र बोस से, से कि आप अपना त्याग पत्र दे दे दो तो तो जब जनता ने तो ने रिक्वेस्ट की सुभाष चंद्र बोस अपना क्या दिया दिया त्याग पत्र दे दिया। और जब त्याग पत्र दिया तो उनकी सीट खाली हो गई जब उनकी सीट खाली हो गई तो त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बन गया उनका अध्यक्ष बन गया राजेंद्र प्रसाद बन गया कौन बन गया राजेंद्र प्रसाद बन गया राजेंद्र प्रसाद को बना देंगे इसको तो बनाएंगे नहीं क्योंकि ये तो हार गया ये तो क्या हो गया हार गया समझ गया बात को तो कुछ इस प्रकार से है ना केजरीवाल था क्या केजरीवाल ली था भाई है, हिस्ट्री में गांधी का डंका चलता था गांधी का ठीक है भाई साहब कैसी यादें करता है बहुत बढ़िया तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग भाई सी लगाओगे क्या लगाओगे सी विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम प्रथम भारतीय भारतीय कौन कौन था? कौन था ये आपको बताना है। पत्रकार का निर्वाहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था बाल गंगाधर तिलक था या दादा भाई नौरोजी थे या मोतीलाल नेहरू थे या फिर कौन थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे या फिर कौन थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है जल्दी से आप लोग क्या करें इसका आंसर करें Osionfish. मतलब पत्रकारिता का विरोध करते समय पत्रकारिता का विरोध करते, करते समय या निर्वाहन करते समय आ, कौन सा व्यक्ति जेल गया था तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक गए थे और ये क्या है गरम दल के नेता हैं ये क्या है गरम दल के नेता हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं लोकमान्य बोलते हैं लोकमान्य तिलक बोलते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं लोकमान्य तिलक बोलते हैं दादा भाई नोरू जी को हम लोग क्या बोलते हैं भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं और यही जो आपका स्वराज शब्द है स्वराज जो स्वराज शब्द है यही क्या, क्या करेंगे इस स्वराज शब्द को कांग्रेस में, में ले जाएंगे कहां पे कांग्रेस में ले जाएंगे ठीक है भाई दादा भाई नोरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया है ये कांग्रेस के तीन बार अध्यक्ष बने हैं एक तो अठारह में और एक अठारह में और एक आपका 1906 में 1906 में ये तीन बार अध्यक्ष बने हैं कौन दादा भाई नोरोजी मोतीलाल नेहरू अरे ये तो मोतीलाल घोष हैं और नाथ बनर्जी राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक कहेंगे कि स्वराज हमारा जन्म अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा क्या करूंगा लेकर रहूंगा और बाल गंगाधर तिलक नहीं आपका कौन सा

ओ, हमीद खां क्या आ जाएगा हसन खां क्या आ जाएगा और जिन्ना आ जाएगा तो इसका जो हेड बनाया जाता है इसका जो हेड बनाया जाता है वो कौन बनाया जाता है तो आप कहोगे भाई आगा खां बनाए जाते हैं कौन बनाए जाते हैं आगा खां क्या बनाए जाते हैं इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है ठीक है भाई लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन माने जाते हैं मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है संस्थापक संस्थापक कौन माने जाते हैं तो आप बताओगी सलीमुल्लाह है कौन बताओगी सलीमुल्ला सलीम उल्लाह क्या है भाई मुस्लिम लीग के क्या हो जाएंगे और संस्थापक हो जाएंगे ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है यानी सलीमुल्लाह खान क्या हो जाएंगे अध्यक्ष हो जाएंगे बहुत बढ़िया एकदम शानदार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई इन सभी चीजों को आप लोग क्या रखेंगे याद रखेंगे इन सभी चीजों को आप लोग क्या रखेंगे याद रखेंगे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा क्या आ जाएगा ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सूची एक तथा सूची दो को क्या कीजिए सुमिलित कीजिए सूची एक तथा सूची दो को क्या कीजिए सुमिलित कीजिए अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव अगस्त संकल्प और आपका ये क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्य प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये किससे संबंधित है 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 ये ये आपको क्या करना है? आंसर करना है. तो है. ये क्या करना करना आंसर तो क्वेश्चन 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 नंबर आपका आपका बहुत ही प्यारा होमवर्क है पहला क्वेश्चन ठीक है भाई ये आपका क्या हो जाएगा पहला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा सूची एक और सूची दो को क्या कीजिए मिलाइए ये आपके क्या हो जाएंगे समाचार पत्र हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे संपादक हो जाएंगे चलो जी हिंदू सुधारक या आपका वॉइस ऑफ इंडिया या फिर क्या आ जाएगा बंगाली कौन सा समाचार पत्र किस कौन सा समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था यह आपको क्या करना है आंसर करना है तो जल्दी से आप लोग क्या बताओ भाई आंसर बताओ जल्दी से आप लोग क्या बताओ भाई इसका आंसर बताओ

लाल बाल पाल और लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ तो देखो लाला लाजपत राय इनका फुल फॉर्म क्या होता है लाल से क्या हो जाएगा लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय लाजपत राय हो जाएगा ठीक है भाई बाल से क्या हो जाएगा वाल गंगाधर तिलक वाल गंगाधर तिलक हो जाएगा ठीक है भाई और पाल से क्या हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल क्या हो जाएगा बिपिन चंद पाल हो जाएगा ये क्या थे ये गरम दल के नेता थे और गरम दल और नरम दल का जो विभाजन हुआ था विभाजन जो विभाजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था वो हुआ था सूरत अधिवेशन में सूरत अधिवेशन में जो कि आपका 1907 में हुआ था कांग्रेस का ये भी आपको याद रखना है फिर इन गरम दल और नरम दल को कब मिलाया गया था तो उन्नीस में मिलाया गया था लखनऊ अधिवेशन में ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है तो इनका अध्यक्ष कौन हुआ है तो केवल कौन लाला लाजपत राय बने हैं कौन बने हैं लाला लाजपत राय बने हैं और कब आपका 1920 में कब 1920 में और इन्होंने क्या किया था इन्होंने वंदे मातरम कौन सा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम क्या करवाया था अखबार भी शुरू करवाया था अखबार अखबार

निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था निम्नलिखित में से कौन

एक अठारह में पत्रिका लिखी थी अठारह में एक लोकमित्र नाम की पत्रिका लिखी थी लोक मित्र नाम की पत्रिका लिखी थी और उस पत्रिका में लिखा था कि सुनो भारतीयों यदि आपको आजादी पानी है तो आपको एक अच्छा सा गठन करना पड़ेगा तो सभी भारतीयों को कहां पे बुलाया गया था पहली बार सभी भारतीयों को पहली बार कहां पे बुलाया गया था कलकत्ता में बुलाया गया था कहाँ पे कलकत्ता में बुलाया गया था और जब कलकत्ता में बुलाया गया था तो टोटल कितने तिहत्तर लोग आए थे तिहत्तर लोग आए थे है ना कितने तिहत्तर लोग आए थे और इन तिहत्तर लोगों में से ये ये भी थे क्या थे ये भी थे इन तिहत्तर लोगों में से ये भी थे और ये सब पढ़े लिखे व्यक्ति थे कहाँ पे कलकत्ता में फिर कहा गया कि का, एक काम करते हैं हम लोग 28 दिसंबर को कब 28 दिसंबर 28 दिसंबर पिचासी में अठारह में हम जो बैठक रखेंगे वो कहाँ पे रखेंगे पुणे में रखेंगे कहाँ पे पुणे में रखेंगे लेकिन जब ये टाइम आता है तो यहाँ पे क्या फैल जाती है महामारी फैल जाती है तो यहाँ पे ये अधिवेशन कैंसिल हो जाता है फिर ये अधिवेशन कहाँ पे बुलाया जाता है बम्बई में बुलाया जाता है कहाँ पे बम्बई में बुलाया जाता है बम्बई के गोपाल ते, तेज बम्बई का कौन सा विद्यालय था बम्बई का विद्यालय था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था और उसमें टोटल कितने बहत्तर लोग आते हैं कितने बहत्तर लोग आते हैं और इन बहत्तर लोगों में से देखो यहाँ पे तिहत्तर थे यहाँ पे बहत्तर थे तो एक कौन नहीं आया एक नहीं आया सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं आया कौन नहीं आया सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं आया और जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ पर कितने बहत्तर लोग ही पहुँचेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा और इन बहत्तर लोगों में सबसे बूढ़ा व्यक्ति था कौन डब्लू सी बनर्जी और उस डब्लू सी बनर्जी को व्यूमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया था यह भी आपको याद रखना है ठीक है भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार बहुत बढ़िया चलो जी हाँ जी डफ्रिक, डफ्रिक। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा क्या आ जाएगा डी विल क्वेश्चन बहुत से तो भाई साहब ए दे रहे हैं बहुत से भाई साहब बी दे रहे हैं भाई साहब बहुत से लोग बी दे रहे हैं इसका आंसर बहुत से लोग ए दे रहे हैं, हैं। ना मानेगा ना मानेगा भाई साहब कैसी वादे करता है भाई कैसी वादें करता है तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका सही उत्तर दो पर्यटक जम्मू कश्मीर अच्छा जम्मू कश्मीर आपका कहां पे है जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्यटन केंद्र है तो देखो ये क्वेश्चन थोड़े से मतलब क्या है आपके वो आ जाएंगे डायमंड हार्वर सिटी को अवस्थित है ये क्वेश्चन थोड़े से आपकी किसके जियोग्राफी के आ गए बट कोई बात नहीं हमने कितने पैशन थर्टी फाइव क्वेश्चन रखे थे इसीलिए हमने वो क्वेश्चन आपका पहले दे दिया था ये क्वेश्चन नहीं है भाई ये नहीं है क्वेश्चन ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं है बस हिस्ट्री के क्वेश्चन केवल कितने थे बत्तीस थे यानी थर्टी टू क्वेश्चन क्या थे आपके हिस्ट्री के थे तो थर्टी टू क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया अब ये देखो ये तो हमने कर लिया ये हमने कर लिया ये आपका अच्छा ये भी हमने किया है, है ना तो होमवर्क क्या दिया ये वाला क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया है आज का जो सेशन है वो बस यहीं तक चलेगा आज का जो सेशन है वो बस यहीं तक चलेगा है ना और आज आपको एक बहुत ही शानदार सी कहानी सुनाते हैं मजा आ जाएगा भाई साहब कहानी में और वो भी कहानी किसकी -कि सुनाएंगे ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर की सुनाएंगे ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर की हम आपको क्या सुनाएंगे स्टोरी सुनाएंगे ठीक है भाई तो ये आपका क्वेश्चन क्या है होमवर्क क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है ये होना चाहिए आपको भी अपना दिमाग लगाना चाहिए कि कहां से क्या होगा कैसे होगा ठीक है भाई हमने आपको कितने थाड़ी लगभग लगभग बत्तीस क्वेश्चन करवाए बहुत ही प्रेम से ठीक है भाई अनन्या रॉय कह रही है भाई कैसे हम तीस क्वेश्चन तो तीस प्लस करें जीके जी में है तो देखो ऐसा है।, है भाई साहब कृष्णा नमस्कार 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 भाई साहब कैसी बातें करते हो चलो जी तो देखो मेरी रोज क्लास होती है आप लोग रोज आया करो यार रोज क्लास होती है मेरी सात बजे मेरी रोज शाम को सात बजे क्लास होती है बाबू ठीक है भाई तो आप लोग रोज आया करो यार ऐसी कोई बात ही नहीं है अब हम लोग क्या करते हैं हिस्ट्री पर फोकस करते हैं क्या करते हैं मतलब हिस्ट्री नहीं सॉरी स्टोरी पर फोकस करते हैं किस पर स्टोरी पर फोकस करते हैं स्टोरी स्टोरी है किसकी महान अलेक्जेंडर सिकंदर की किसकी सिकंदर की सिकंदर की क्या है आपकी स्टोरी है ये आपको क्या रखना या है याद रखना है अब देखो सिकंदर जो था इसके कितने दो सेनापति थे इसके दो क्या थे सेनापति थे एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर और एक का नाम था नेरियाकस एक का नाम था नेरियाकस एक का क्या नाम था नेरियाक था ठीक है भाई जो सिकंदर था ये बहुत ही बहुत ही महान सेनापति था बहुत ही महान राजा था बहुत ही महान योद्धा था बहुत ही लड़ाकू योद्धा था ठीक है भाई सिकंदर तो इसकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस कहानी है और यदि आप ये सुन लोगे तो बहुत मजा आएगा अब एक बार क्या होता है जो सिकंदर होता है इसने सिकंदर को तो खबर थी ही सिकंदर को तो खबर थी ही कि ये मतलब जो हमारा भारत है वो क्या है सोने की चिड़िया है और भारत में काफी ज्यादा धन है तो सिकंदर हमारे भारत की ओर आया और इसने हमारे भारत की ओर आया जब भारत की ओर आया तो भारत के जो मतलब आसपास वाले क्षेत्र हैं उन पर क्या किया आक्रमण किया और जब उन पर आक्रमण किया तो उन सब पर क्या किया कब्जा किया और जब भारत में इसने प्रवेश किया तो भारत में जो प्रवेश होने का जो रास्ता था वो वही था कौन सा मिलीं। क्या मिलीं? तो इसने जैसे, तैसे, इसने जैसे तैसे एक नदी को पार किया दूसरी नदी को पार किया तीसरी नदी को पार किया चौथी नदी को पार किया और अंत में फाइनली क्या फंस गया नदियों के जंजाल में फंस गया और इसको ऐसा लगा कि यहाँ पे तो नदियां ही नदियां हैं हमने तो सुना था कि यहाँ पे भाई क्या है यहाँ पे सोना सोना है यानी भारत तो, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है यहाँ पे सोना है लेकिन यहाँ पे तो हमें नदी नदियां समझ में आ रही हैं और जब वो यहीं तक आया और यहाँ सेना थी वो यहाँ पे उसकी जो सेना थी वो भी बहुत ज्यादा थक गई थी वो भी बहुत ज्यादा क्या थी थक गई थी हालांकि इसकी सेना बहुत ज्यादा विशाल थी बहुत ज्यादा विशाल थी ये जल में भी लड़ने में समर्थ थे और थल में भी लड़ने में समर्थ थे बहुत ज्यादा क्या थी इनकी सेना विशाल थी तो जब इनकी सेना भी थक जाती है और फाइनली इनको भी ऐसा लगता है कि अब हमें लगता है यहाँ पे नदियाँ ही नदियां हैं और जबकि ऐसा होता है कि उस टाइम पे बस ये लास्ट ही नदी होती है लास्ट ही क्या होती है? नदी होती है तो है नदी तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब खुद के प्रयासों से जब खुद के किए गए प्रयासों से खुद को पीड़ा पहुंचने लगे तो समझ लेना कि सफलता मिलने वाली है तो समझ लेना कि सफलता मिलने वाली है सोचो जरा सिकंदर थोड़ा सा एक नदी और निकलता तो यहाँ पे पार हो जाता और वो भारत में एंटर कर जाता लेकिन उसके दिमाग में क्या हो गया था अब मुझे लगता है बस हम लोग क्या करते हैं जनरली यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारी क्या है सफलता है सफलता यहाँ पे हमारी क्या है सफलता है हम लोग चलते, चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं और हमें ऐसा लगता है पता नहीं कितनी दूर सफलता है चलते हैं चलते हैं चलते हैं बस यहाँ से और यहाँ से यू टर्न लेकर भाग आते हैं यहाँ से यू टर्न लेकर भाग आते हैं ऐसा नहीं करना है जब आपने सोच लिया है जब आपने मन बना लिया है तो आपको बिल्कुल वहां तक पहुंचना है चाहे वो कितनी भी दूर हो चाहे उसको पाने में कितना भी टाइम लगे लेकिन हम पाकर जरूर रहेंगे हम पाकर जरूर रहेंगे ठीक है भाई तो अब ये सिकंदर क्या होने लगा लौटने लगा अब जब सिकंदर लौटने लगा तो सिकंदर का क्या हो जाता है स्वास्थ्य खराब हो जाता है सिकंदर का क्या हो जाता है स्वास्थ्य खराब हो जाता है

कि एक वैद्य है बहुत समझदार वैद है और यदि उसको दिखा दिया तो हो सकता है सिकंदर अच्छे हो जाए तो फिर एक समझदार वैद्य को दिखाया गया बहुत ही प्रसिद्ध अच्छा जाना माना समझा वैद्य था और बहुत ही सात्र मतलब चालाक वैद्य था तो जब उसको दिखाया गया और उसने उसने देखा सिकंदर को देखा तो वो देखकर समझ गया वो वैद्य देखकर समझ गया ऐसा नहीं है जो चालाक लोग होते हैं वो उनके अंदर नॉलेज भी होता है ठीक है भाई शाह तो वो सिकंदर का चेहरा देखकर समझ गया कि अब तो सिकंदर मरने वाला है अब सिकंदर क्या है मरने वाला है तो उस वैद्य ने सोचा कि यदि हमने सिकंदर से कह दिया कि आप तो मरने वाले हैं आपकी मृत्यु होने वाली है तो होता हो सकता है सिकंदर गुस्सा हो जाए हमारी गर्दन काट दे हमारी गर्दन काट दे तो सिकंद उस वैद्य ने सोचा एक काम करते हैं इससे ऐसे बात करेंगे कि मतलब हमारी बात भी हो जाएगी और ये हमसे गुस्सा भी नहीं होगा तो सिकंदर ने कहा तो बैद ने सोचा बिल्कुल सही है ये मनी मन में सोच रहा है बैद तो बैद ने कहा सिकंदर जी आपकी मृत्यु उस दिन होगी वैसे तो आप अमर हैं वैसे तो आप अमर हैं लेकिन आपकी मृत्यु उस दिन होगी जिस दिन जमीन सोने की होगी और आसमान सोने का होगा जिस दिन जमीन सोने की होगी और आसमान सोने का होगा और सिकंदर समझ गया कि ना कभी जमीन सोने की होने वाली है और ना कभी आसमान सोने का होने वाला है ना कभी जमीन सोने की होने वाली हो ना कभी आसमान सोने का होने वाला है इसका मतलब मैं अमर रहूंगा इसका मतलब मैं क्या रहूंगा अमर रहूंगा सिकंदर समझ गया कि अब मुझे अमर रहना है तो सिकंदर अच्छा लगा सिकंदर को कहते ना मन के हारे हार है और मन के जीते जीत सिकंदर जो बीमार था अब उसके अंदर फूर्ती आ गई और वो चलने लगा वो क्या होने लगा चलने लगा और उस वैद्य को बहुत सारा धन दिया और उसको कहा चलो तुम जाओ अब जब सिकंदर के अंदर फूर्ती आई सिकंदर थोड़ी देर और चला लौट गया अपने अपने घर जा रहा है लौट गया थोड़ी देर और घर चला अब क्या है वो तो भाई बीमार है बीमारी तो बीमारी है तो अंदर से फिर टूटने लगा और फिर क्या होने लगा कहीं न, कहीं ना कहीं कमजोर होने लगा और फिर फाइनली क्या होता है सिकंदर एक जगह मूर्छित होकर गिर जाता है और जब सिकंदर एक जगह मूर्छित होकर गिर जाता है तो उसके जो सेनापति वगैरह हैं उसके जो सेनापति हैं वो क्या करते हैं उसके सेनापति करेंगे क्या उसके सेनापति क्या करते हैं कि एक जगह अच्छे से उसको लिटा देते हैं और जब एक जगह बहुत अच्छे से उसको लिटाएंगे तो जो ये छाल पहनने वाली नहीं होती है आपने देखा होगा युद्ध में एक तो हाथ में वो लिए रहते हैं तलवार वगैरह और जो छाल वगैरह लिए रहते हैं तो जो छाल वगैरह होती है ना उसको एक ने क्या किया एक सेनापति ने अपनी छाल निकाल के नीचे लिटा दी और उसके ऊपर लिटा दिया क्योंकि भाई राजा है क्या है राजा है और एक सेनापति ने क्या किया अपना ये छाल निकाल के ऊपर लगा दी ताकि उनको क्या ना लगे धूप ना लगे ताकि क्या ना लगे सिकंदर को धूप ना लगे कहा ठीक है भाई साहब सिकंदर को नीचे लिटा दिया सिकंदर को पानी पानी लगाया गया पानी पानी घाला गया ताकि उसकी क्या हो जाए अच्छे से थोड़ा सा होश होश आ जाए क्योंकि वो मूर्छित होकर गिर गया था अब जैसे ही सिकंदर की आंख खुली जैसे ही सिकंदर की आंख खुली नीचे सोना ऊपर सोना सिकंदर की धड़कनें तेज सिकंदर की धड़कड़ धड़कने क्या हो जाती है तेज हो जाती है जब सिकंदर की धड़कने तेज हो जाती है तो वो देखता है कि जमीन भी सोने की और आसमान भी सोने का इसका मतलब उस वैद्य ने सही कहा था कि जिस दिन हमें जमीन सोने की नजर आएगी और जिस दिन हमें आसमान सोने का नजर आएगा उस दिन सोच लेना कि आपकी मृत्यु होने वाली है तो सिकंदर समझ गया भाई साहब कि अब मैं नहीं रहूंगा अब मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में अब वो समझ गया कि अब मुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है मुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है तो सिकंदर ने कहा कि अब देखो मैं मरने वाला हूं सिकंदर ने कहा अब मैं क्या हूं मरने वाला हूं मेरी तीन ख्वाहिशें हैं मेरी क्या है तीन ख्वाहिशें हैं अपने सेनापतियों से कहा मेरी तीन ख्वाहिशें हैं और मेरी इन तीन ख्वाहिशों को पूरा करना आप लोग तो उनके जो सेनापति थे उनने कहा ठीक है भाई साहब आप बताओ आपकी क्या क्या तीन ख्वाहिशें हैं तो सिकंदर ने कहा पहली ख्वाहिश मेरी ये है कि जो मेरा सब यात्रा जाए जो मेरी जो सब यात्रा है ये जब भी जाए तो ये उन्हीं बैदों के कंधों पर जाना चाहिए जिनने मेरा इलाज किया था जिनने मेरा इलाज किया था और उनने मुझे सही नहीं कर पाया ये मेरा जो सब है मेरी सब यात्रा उन्हीं के कंधों पर जानी चाहिए तो उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब फिर सिकंदर ने कहा मेरी दूसरी यात्रा मेरी दूसरी ख्वाहिश तो उन्होंने कहा हाँ बताओ दूसरी ख्वाहिश क्या है उन्होंने कहा मेरी दूसरी ख्वाहिश यह है जब मेरी सब यात्रा निकले जब मेरी सब यात्रा निकले तो जितना भी धन सोना चांदी सिक्के जवरत हीरे जो भी हैं सब मेरी यात्रा यात्रा सब यात्रा पे ऐसे करके लुटाए जाए सब ऐसे करके लुटाए जाए तो कहा ठीक है यह भी हो जाएगा और सिकंदर ने कहा मेरी तीसरी ख्वाहिश मेरी तीसरी ख्वाहिश यह है कि जब मैं मरूं जब मैं मरूं तो मेरे हाथ ऐसे खोल दिए जाएं ऐसे और फिर मेरी चिता को आग लगाई जाए और मेरे हाथ ऐसे बाहर निकाल दिए जाएं ऐसे बिल्कुल खुली हुई गद्दी खुली हुई हथेली ऐसे बाहर निकाली जाए और उसके बाद मेरी चिता को हाथ लगाई आग लगाई जाए तो उसके सैनिकों ने कहा ठीक है आपने हमसे तीन क्वेश्चन किए आपने हमसे तीन क्वेश्चन किए हम तीनों को आपकी तीनों इच्छाओं को पूरा करेंगे लेकिन इनका अर्थ तो बताते जाओ महादेव इनका अर्थ तो बताते जाओ ये आपने क्यों पूछा ऐसा हमसे क्यों कहा ऐसा कि जो आपकी सब यात्रा है वो आपके उन्हीं वेदों पर जानी जानी, जानी चाहिए जिनने आपका इलाज किया ऐसा क्यों क्या कहा आपने और आपकी सब यात्रा पर सब कुछ पूरा धन लुटा दिया जाए ऐसा क्यों कहा आपने और जब आपकी मृत्यु हो आपको आप, आपकी सब उसमें दाह संस्कार किया जाए तो हाथ खुले छोड़ दिए जाए ऐसा क्यों कहा आपने तो सिकंदर बोलता है सुनो ध्यान से तब जाके सिकंदर बोलता है कि मैंने पहला पॉइंट इसलिए कहा कि जब पहला पॉइंट इसलिए कहा कि ईश्वर एक है वही जन्म देता है और वही क्या करता है मारता है मेरा इलाज इतने डॉक्टरों ने किया इतने वैदों ने किया क्या वो सही कर पाए मुझे नहीं कर पाए तो मेरा सब यात्रा उन्हीं के कंधों पे जानी चाहिए ताकि उन्हें ये समझ में आ जाए कि जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला सिर्फ एक है और वो है ऊपर वाला जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला सिर्फ एक है वो है ऊपर वाला ताकि उन्हें यह समझ में आ जाए क्योंकि हमने क्या नहीं खर्च किया उनके ऊपर पूरा सब कुछ खर्च कर दिया सबसे ज्यादा पैसा दिया हमने उनको लेकिन फिर भी वो हमें सही नहीं कर पाए तो पहला पॉइंट तो ये है दूसरा पॉइंट ये है कि जब मेरी सब यात्रा जाएगी तो मेरी सब यात्रा पर सब कुछ धन संपत्ति लुटा दी जाए इसका क्या मतलब इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इतने युद्ध लड़े इतने राजाओं को जीता इतना धन संपत्ति सब कुछ इकट्ठा किया किस लिए ये किस किसके लिए किया ये क्या ये पूरा का पूरा धन संपत्ति सोना चांदी ये मेरे काम आ रहा है जब मैं मर रहा हूं तो ये मेरे लिए सब क्या है मिट्टी है ये मेरे लिए क्या है सब मिट्टी के समान है और तीसरी बात क्या है तीसरी बात यह है कि जब मैं मरूं मेरी चिता में आग लगाई जाए तो मेरे हाथ खोल दिए जाए इसका मतलब ये है ये दर्शाता है कि जब मैं आया था तब भी हाथ मेरे खाली थे और जब मैं जा रहा हूं तब भी मेरे हाथ खाली हैं तो ना ही कुछ लेकर आया हूं और ना ही कुछ लेकर जाऊंगा ये तो बस मोह माया है कि भाई हम ये कर लें ये कर लें हमारे बच्चे ये करेंगे वो करेंगे ये अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो करते हैं आप जो मेहनत करते हैं उससे आपकी जनरेशन डिपेंड करती है ये बिल्कुल सही बात है लेकिन इतने भी आप डिपेंडेंट मत रहो कि अपने आप को ना समझ पाओ इतने भी मत रहो तो ये थी सिकंदर की कहानी और सिकंदर की फाइनली क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है ये चीजें आपको क्या रखती है? ये चीजें आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ भी सिखाती हैं बहुत बढ़िया तो ये थोड़ी सी जो ये छोटी सी कहानी थी जो हमने आपको सिकंदर की अपने माध्यम से सुनाने की कोशिश की है और सिकंदर बहुत ही मतलब महान राजा था बहुत महान जिस नज, जिस एरिये पे नजर मार दे जिस एरिए मार दे वो एरिया उसका हो जाता था इतना ग्रेट सिकंदर था इसलिए उसको ग्रेट कहा गया है ठीक है भाई बहुत शक्तिशाली था बहुत बढ़िया अब आप सभी को बताना है कि कहानी आपको कैसी लगी है स्टोरी आपको कैसी लगी है सेशन आपको कैसा लगा है ये सारी चीजें आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे ठीक है भाई फिर आप कहोगे तो इसी प्रकार की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो कि आपकी बहुत अच्छी होंगी और इनसे आपको नॉलेज जरूर मिलेगा इससे भी आपको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा देखो कहानी एक ऐसी चीजें होती है कि जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ी होती हैं और कहीं ना कहीं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है ठीक है भाई बहुत बढ़िया कह रहा क्या खूब लिखा है किसी ने कि अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बना के जाएगी वाह वाह छोरे वा क्या दर्द है तेरी आवाज में वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एग्जामपुर जी बहुत बढ़िया तो सचिन जी चलो जी तो आज का जो सेशन है उसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं बकाया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और जो भी नए साथी हैं वो चैनल को क्या कर लें सब्सक्राइब कर लें जो वो क्या कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है भाई बहुत बढ़िया एकदम शांदार, एकदम शानदार शानदार तो पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए बिंदास रहिए और सेशन को शेयर कर देना भाई सभी साथियों को और जो भी आपके साथी भाई बंधु मित्र यार हैं उनको आप लोग बुला लेना ठीक है तो फिर से एक बार सभी साथियों को जय हिंद हमें कलम से क्रांति जय एग्जामपुर जेजामपुर एग्जामपुर बकाया आप सभी के कमेंट का इंतजार करेंगे ऑफलाइन आप सभी को कमेंट करना है कि स्टोरी कैसी लगी है सेशन आपको कैसा लगा है और कंटेंट आपको कैसा लगा है ठीक है भाई चलो जी तो पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए बने रहिए बिंदास रहिए खुश रहिए ठीक है सभी लोग बहुत बढ़िया मेहनत करते रहिए चलो